हेलो फ्रेंड्स, BiharDSP.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को भटूरा बनाने की विधि बताऊंगी। तो देखिए, हमने यहाँ 300 ग्राम मैदा लिया है और यहाँ हमने गुनगुना पानी लिया है। इसको गूंदने के लिए ये हम 300 ग्राम में हमने यहाँ लगभग 150 ग्राम ये 100 ग्राम हमने यहाँ फ्रेश दही लिया है। दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए और हम यहाँ एक छोटी चम्मच देसी घी लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखा है और ये मीठा सोडा है। आप इसको जो है सबसे पहले हम इसमें इस तरह से एक घेरा बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक छोटी चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए। तो नमक और ये मीठा सोडा है, इससे भटूरा अच्छे से फूलता है, इसलिए इसको जरूर डालिए। और ये है देसी घी, एक छोटी चम्मच हमने गुनगुना देसी घी लिया है। इसको हमने थोड़ा गर्म कर लिया है मेल्ट होने के लिए। अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे ये फ्रेश दही है। ये खट्टी है, दही थोड़ा खट्टी रहती है तो ही सही होता है। तो ये हम इसमें दही ऐड कर देंगे और ये हमने गुनगुना पानी लिया है। तो हम पानी से ही थोड़ा थोड़ा करके इसको दही को पहले हम फेंट लेंगे। इस तरह से हाथ से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें इस मैदे का एक डो तैयार करना है। अब हम इसमें गुनगुना पानी, ये दही का था तो हमने इसमें थोड़ा डाल लिया है। अब हम इसको धीरे धीरे एक छोटा सा, जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, गुनगुना पानी, ध्यान रखिए पानी गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के और हम इसको एक डो तैयार कर लेंगे और इस डो को हम 8 से 10 घंटा फूलने के लिए रख देंगे। तो देखिए, हमने जो है मैदे का, आटे का डो एक तैयार कर लिया है और हम इसे 7 से 8 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो हमने मैदे के आटे का डो तैयार किया था वो बिल्कुल सेट हो गया है। हमने इसे 5-6-7 घंटे इसको सेट रखा था, इसको गूंद करके अब ये बिल्कुल भटूरा बनाने लायक हो गया है। तो हम इतना बड़ा साइज लेंगे, एक आलू के बराबर, मीडियम साइज का जो आलू होता है उससे, उसके बराबर लेंगे। इसका हम एक गोला तैयार करेंगे इस तरह से और हम इसको बेलन चौकी से इस तरह से हल्का सा इसमें आप जो है तेल लगा लीजिए। तो देखिए, हमने रिफाइंड जो है रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। उसमें हमने लगभग 500 ग्राम हमने रिफाइंड ऑयल डाला है, क्योंकि अच्छे से भटूरा जब उसमें जाएगा तो अच्छे से डूबना चाहिए, इसलिए तेल हमें ज़्यादा लेना है। तो 500 ग्राम हमने इसमें तेल डाला हुआ है। अब हम इसको देखिए, एक इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से आप इसे बेल लीजिए, ये थोड़ा सिकुड़ता है तो आप इसे अच्छे अच्छे से इस तरह से घुमा घुमा के बेल लीजिए। साइज जैसा भी रखना हो वैसा रख सकती हैं। अब कढ़ाई देखिए, मेरा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। तो देखिए, इसको रोटी की तरह बिल्कुल अच्छे से पतला, ज़्यादा पतला नहीं, हल्का पतला, इसका देखिए लेयर इतना होना चाहिए। और आप इसे कढ़ाई में छोड़ दीजिए।
तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए तभी भटूरा अच्छे से फूलेगा। और इसको जो है कढ़ाई में अच्छे से पलट दीजिए। इसी तरह दूसरा भटूरा भी तैयार कीजिए। गोला ले लीजिए और उसको अच्छे से बेलिए। तो फ्रेंड्स देखिए भटूरा जो है छोला भटूरा बहुत ही फेमस है। आप छोला भटूरा जो है इस तरह से बनाइए और खाइए। छोला का वीडियो मेरे साइट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। और हमने जो है भटूरे इस तरह से बनाया है, तो आप छोले भटूरे का जो है आनंद लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देख के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सीमा तिवारी उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।